हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब। मैं राहुल दास, टेक्निकल ब्रदर टू थाउजेंड सिक्सटीन से। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, वेलकम टू यूट्यूब एंड टेक्निकल ब्रदर्स। तो दोस्तों, आज जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है किस तरह नया नया फ़ोन मार्केट में आ रहा है और कौन से फ़ोन्स नया है या लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक लॉन्च नहीं किया उन्होंने, उन कंपनी ने, जैसे कि आसूस, एमआई, लीको, कुलपैड, ब्ला ब्ला ब्ला, सैमसंग, बहुत सारे। तो उस तरह के आजकल आज हम लोग वो उसका वीडियो करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे मोबाइल्स बाजार में आ रहा है, अपकमिंग स्मार्टफोन्स बोल सकते हैं आप लोग। और जो दूसरी बात, एमआई ने क्या क्या चीज़ बनाई है पर अभी तक इंडिया में लॉन्च उन लोगों ने नहीं किया है, उस बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो अगर आप लोगों को मेरा किसी भी वीडियो में किसी भी खराबी नज़र आया, किसी भी गलत चीज़ नज़र आया, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पे लिखिए। अगर ठीक लगे तो उसका भी थोड़ा रिप्लाई मुझे दीजिए। और प्लीज़ 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 दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे लगने पर लाइक, ना अच्छे लगने पर डिसलाइक। दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करने हम लोग जा रहे हैं, तो लेट्स इट गो। तो हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आता है, जो कब लॉन्च होगा पता नहीं है, पर जो है चाइना में शायद लॉन्च हो चुकी है, लीको LE2 प्रो। तो उसका कीमत लगभग 15,000 के आसपास है, तो वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो उसके थोड़ा कुछ फीचर्स अब मैं बता देता हूँ। वो ड्यूल कोर में आएगा 2.5 GHz के ऊपर, एंड क्वाड कोर 2 GHz, एंड प्लस क्वाड कोर 1.4 GHz में आएगा। मीडिया टेक MT6797 4 GB रैम के साथ आएगा। 5.5 इंचज स्क्रीन होगा, फुल HD, वेरी शार्प होगा ये। और सबसे बड़ी बात, कैमरा इसका होगा 21 MP कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा होगा। और डुअल कलर LED फ्लैश रहेगा, और 8 MP फ्रंट, और 3000 mAh बैटरी मिलता है, जो नॉन रिन्यूएबल है। तो मेरे ख्याल से ये उतना भी अच्छा नहीं है इस कीमत में, तो देखा जाए तो बाद में। सेकेंड आता है Xiaomi Redmi 3। कुछ दिन ही पहले उन लोगों ने इंडिया में लॉन्च कर दिया Xiaomi का Redmi 3S और Redmi 3 Prime, जो इसका सेल आने वाला है, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो Redmi 3, मुझे लगता है ये जो Redmi 3 वाला है, यही वो सेट, सेम फीचर्स, लगभग लगभग सेम फीचर्स है। तो मेरे ख्याल से एक यही सेट वो है, ये सेट शायद नहीं आएगा, उसको ही शायद 3S बोलते हैं। Xiaomi Redmi 3S, जिसका डिस्प्ले होगा 5 इंच, उसका भी 5 इंच है। कैमरा 13x5, उसका भी वही है। बैटरी 4001 mAh बैटरी, उसका भी वही है। तो शायद ये फ़ोन नहीं निकलेगा, ये फ़ोन निकल गया जिसका नाम है Redmi 3S, मुझे लगता है। तो थर्ड आता है Asus Zenfone 3, 15,990 रुपये में आएगा ये, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसका अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। वो है, उसका प्रोसेसर होगा ऑक्टोकोर 2 GHz, स्नैपड्रैगन 625, 3 GB रैम के साथ आता है। 5.5 इंच स्क्रीन होगा, डिस्प्ले होगा, कैमरा होगा 16 MP प्राइमरी, डुअल कोर LED फ्लैश, 5 MP फ्रंट, बैटरी 3000 mAh, लिथियम आयरन नॉन रिमूवेबल बैटरी। ये भी मुझे ठीक अच्छा नहीं लगा। बैटरी परफॉर्मेंस जिस लोगों को चाहिए, उसका मेरे ख्याल से 5.5 इंच डिस्प्ले और 3000 mAh बैटरी थोड़ा कम मुझे लग रहा है आज के दिन, आज के डेट पे। कैमरा आसूस का उतना बुरा भी नहीं है, अच्छी है। तो ये था बात, और एक गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। और फोर्थ जो बात है, सैमसंग Galaxy C5। हाँ, ये है सैमसंग, ये सैमसंग का वही फ़ोन है जो फ़ोन देखने में बहुत ही अच्छा, और शायद इसका फुल स्क्रीन फुल फ्रेम है, फुल फ्रेम के साथ आता है। क्वाड कोर 1.5 GHz प्रोसेसर होगा, स्नैपड्रैगन 617 के साथ आता है। 4 GB रैम होगा। इसका कीमत लगभग 23,000 के आसपास है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 5.2 इंच लार्ज डिस्प्ले है, 16 MP कैमरा है, डुअल कलर LED फ्लैश विद एंड फ्रंट में 8 MP कैमरा है। बैटरी जो है ये सैमसंग का है,
शायद किसी भी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं आप 3000 जो बैटरी है, पर मुझे कम ही लग रहा है क्योंकि 5.2 इंच फुल एचडी डिस्प्ले है। तो भाई हम लोग जब ब्राउज करेंगे कुछ तो तब तो बैटरी बहुत चाहिए, तो बैटरी के मुकाबले ये उतना अच्छा नहीं है इस कीमत में आज के डेट पे। तो फिफ्थ आता हो आसूस जेनफोन 3 डिलक्स। हाँ ये देखने में बहुत ही अच्छे, गुड लुकिंग, एक्स्ट्रा लुकिंग मुझे लगता है। और परफॉर्मेंस में फिर से ड्यूल कोर आता है लिको की तरह। मुझे ड्यूल कोर उतना अच्छा देखा जाए तो बुरा भी नहीं है। 2.5 GHz प्रोसेसर है, डिस्प्ले है 5.7 इंच, बहुत बड़ा डिस्प्ले है, लार्ज फुल एचडी डिस्प्ले। इसका भी बैटरी है 3000 mAh बैटरी, लिथियम पॉलीमर, ये लिथियम पॉलीमर का बैटरी है। 23 MP प्राइमरी कैमरा, डुअल कलर LED फ्लैश एंड फ्रंट में 8 MP फ्रंट, ये भी अच्छी बात। हाँ दोस्तों और एक जो बात मैं बताना चाहता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी C5 जो फ़ोन है 23,000 के आसपास जो आता है, उसमें और दोनों चीज़ है। वो है ये, इसमें NFC आप पाओगे, इसमें आप जो और जो मिलेगा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर। शायद सैमसंग का ये इतने कम दाम में ये पहली फ़ोन है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया सैमसंग की तरफ से, बहुत ही कम दाम में, क्योंकि सैमसंग ने बहुत, जैसे नोट 5 नोट 7 इतना बड़ा बड़ा फ़ोन उन्होंने निकाला है। और एक जो बात, इसके अंदर परफॉर्मेंस, स्टोरेज, कैमरा आपको सब मिल जाएगा। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा इस साइट का, आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये साइट सबसे अच्छा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंपैरिजन करके बहुत लोगों को फ़ोन ख़रीद दिया, या मैंने भी बहुत सारे फ़ोन ख़रीदा है। इसका इस साइट का कंपैरिजन मुझे बहुत अच्छी लगता है किसी भी और साइट से। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा तो आप वहीं से जाके और भी डिटेलिंग से सब कुछ का देख सकोगे। और नेक्स्ट मैं आना चाहूँगा आसूस जेनफोन 3 डिलैक्स जो है, उसका बैटरी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतनी दाम पे। आसूस जैसे ब्रांड ने 40,000 के आसपास जो फ़ोन उन्होंने निकाला है, 6 GB रैम के साथ आता है, 2.50 GHz के साथ आता है, 5.7 इंच स्क्रीन है, 6 GB रैम, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इतने दाम से मैं तो बोलूँगा भाई आप जाइए और ले लीजिए वो कौन सा फ़ोन, अरे वीवो V3 Max कुछ भी इस तरह ले लीजिए। मैं तो यही बोलूँगा वीवो का वो फ़ोन ले लीजिए, बहुत बेटर। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी C7 आता है, ये भी अच्छी फ़ोन है, बट सैमसंग पे सबसे ट्रस्ट हम लोग बहुत लोग अभी तक कर रहा है। सैमसंग अच्छी कंपनी है भाई, ले लीजिए यही करिए। तो मेरे ख्याल से शाओमी ने इंडिया में बहुत लोगों का भरोसा जीत लिया है अब तक। शाओमी ने अच्छा अच्छा फ़ोन निकाला है, जैसे शाओमी Redmi 3 Pro, ये फ़ोन भी है आप जानते, शाओमी Redmi 3S Prime जो फ़ोन आने वाले सेल में आप लोगों को मिल जाएगा, वही फ़ोन नाम रखा गया है 3 Pro, बट ये फ़ोन उस नाम से निकाला गया है इन इंडिया। इसका फीचर्स भी वही है, क्वाड कोर 1.5 GHz प्रोसेसर, क्वाड कोर 1.2 GHz, स्नैपड्रैगन 616, 3 GB रैम के साथ आता है, 5 इंच का फुल एच डी नहीं, HD एवरेज शार्पनेस के साथ आपको मिलता है, 13 MP प्राइमरी LED फ्लैश, 5 MP फ्रंट, 4001। सबसे बड़ी बात शाओमी ने जो किया है, सिर्फ इसी फ़ोन में नहीं सब फ़ोन में, उन्होंने बैटरी को बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप उन्होंने दिया है, और बहुत ही अच्छा वो पावर लेवल भी है उसका, सच में बहुत ही अच्छा बैटरी है शाओमी का। सैमसंग गैलेक्सी A9। हाँ दोस्तों, तो उसके बाद मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो हमारा आखिरी तो नहीं है, इस साइड में बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर आके आपका साइड बाई साइड कंपेरिजन कीजिए और अच्छी से अच्छी फ़ोन कंपेयर करके लीजिए आपके बजट के अंदर। तो अब मैं बताता हूँ Apple iPhone 7। Apple iPhone 7 उन्होंने क्या किया, क्वाड कोर किया है, 3 GHz प्रोसेसर किया है, Apple A10 के साथ आता है, 2 GB रैम इसको मिलता है, 750x13x34 PX शार्प स्क्रीन मिलता है, 4.7 स्क्रीन मिलता है,
और 12 MP प्राइमरी कैमरा मिलता है, डुअल कलर LED फ्लैश। वैसे तो एप्पल का पहले से ही OS परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है, और बैटरी भी 3000 mAh बहुत है, एप्पल की तरफ से ये बहुत है 3000 mAh बैटरी। इतना पॉलीमर मिलता है नॉन रिमूवेबल है, और 49,990 रुपये से स्टार्टिंग है। शायद इसके बहुत फीचर्स और भी आएगा, पर अभी तक तो इतना ही जानकारी। उसके बाद आसूस ज़ेनफोन 3 अल्ट्रा आता है, इसका भी यहाँ पर देख सकते हैं। और जो नया एक फ़ोन देखने को मिल रहा है वो है HP Elite X3। HP का ये शायद नया वर्जन का फ़ोन है, बट मैंने अभी तक HP का फ़ोन किसी रियल मैंने नहीं दिखा है, सिर्फ नेट में ही दिखा है। तो कितना अच्छा होगा मैं तो बोल नहीं सकता, आप लोग किसी ने अगर यूज़ करते हो तो आप ही जानते हो। तो उसके बाद आता है ओप्पो N4, ये भी एक अच्छी फ़ोन है, इसका भी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। पर ये एक नया कंपनी देखने को मिलता है, 10,000 के प्राइस में उन्होंने क्या किया है देख लेते चलिए। डुअल कोर 2.5 GHz किया है, क्वाड कोर 2 GHz प्लस क्वाड कोर 1.4 GHz, ये सब मिला गया 1 GHz। MediaTek MT6797 का आता है, 4 GB रैम मिलता है, 5.5 inch स्क्रीन मिलता है, फुल HD पे 13 MP कैम प्राइमरी LED फ्लैश एंड 5 MP फोन, 3800 mAh लिथियम पॉलीमर नॉन रिमूवेबल बैटरी। तो ये भी एक अच्छी बात है, कंपनी तो नया दिख रहा हो, कितना अच्छा होगा ये कंपनी, ये तो सही नहीं होगा। तो ओप्पो R9 Plus, ओप्पो का फ़ोन पहले से ही बहुत अच्छा है, इसका कीमत लगभग आता है 44,990 रुपये। तो ये था कंपैरिजन साइट, तो आप इस साइट पे आइए और आपका नया जितना भी जो कुछ पूछना है फ़ोन के बारे में आप पूछिए, ये साइट आपको बता देगा। तो दोस्तों इसका लिंक मैं ज़रूर नीचे दे दूँगा। तो फ़ोन के बारे में इतने तक, इसके बाद मैंने बोला था मैं MI का कुछ नया फ़ोन्स आया है, नया कुछ सिर्फ फ़ोन ही नहीं, बहुत सारे गैजेट्स है जो आपको बहुत ही दिलचस्प और पसंद आएगा, तो वो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, इसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, तो ये है Xiaomi का मतलब MI का अपना चाइनीज वर्जन साइट, जो सिर्फ चाइना के लिए साइट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पर यहाँ से खरीद सकते हैं क्या नहीं खरीद सकते ये तो मुझे मैंने कभी खरीदा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पर साइट में उन्होंने कितने सारे फ़ोन निकाले हैं, जैसे टैबलेट फ़ोन कॉलिंग कार्ड, इतने सारे फ़ोन निकाले हैं, जैसे 5 माइल फ़ोन, मल्टी मैक्स, मल्टी फोन पोस्ट, इतने सारे उन लोगों का फ़ोन्स है, आप देख सकते हैं रेड राइस प्रो, क्या बात है। तो इतने सारे उन लोगों का फ़ोन है, इससे भी ज़्यादा है यहाँ पर कुछ दिखा रहे, अब अगर अंदर जाओगे तो ज़रूर और कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए उसका अपना नोटबुक भी है, अभी तक नोटबुक ज़्यादा नहीं, ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद अभी तक MI का लॉन्च नहीं है। ये इन लोग बोलते हैं जो ये जो नोटबुक है ये iMac, मतलब जो मैक है iOS का, उससे भी अच्छा ये लोग दावे करते हैं, उससे भी अच्छा ये नोटबुक होगा और बहुत ही अच्छे होगा, उससे एक्सेलेंट मिलता है। पर यूज़ जिन्होंने किया उन्होंने नहीं बता सकते। 6th generation कोर आई पैक आपको मिलता है इस अंदर, स्लिम ऑल मेटल बॉडी, NVIDIA इसके ऊपर ग्राफिक्स कार्ड भी आपको मिलेगा, 8GB DDR4 मेमोरी मिलेगा, SSD कार्ड भी मिलेगा, क्या बात, मुझे तो बहुत अच्छी लग गई ये थोड़ी थोड़ी चीज़ से, और बहुत ही देखने में बहुत ही एक्सटेंडर, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये MI का बुक। तो ये एरे गरे वाला नोटबुक नहीं है, आप जानते हैं MI ब्रांड बहुत ही अच्छा ब्रांड हो चुका है इंडिया के, बहुत ही भरोसेमंद एक ब्रांड है, तो आप अगर चाहिए तो ले सकते हैं। ये इंडिया के आसपास ये करीब करीब 34,000 में आपको शायद मिल जाएगा, 34,000 से 35,000 के आसपास मेरे ख्याल से। तो उन्होंने बहुत सारे किया है, 50,000 में भी एक किया है, आप वो भी ले सकते हैं, इंडिया ग्राफिक्स कार्ड, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए उनका इतना प्रोडक्ट्स मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा, इतना सारे प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद देखिए टीवी,
उन लोगों का कितना टीवी, हम लोग जो सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं या किसी भी डिश एंटेना लगाते हैं, वो भी इन लोगों ने बनवाया है। मेरे टीवी होस्ट, कितने सारे टीवी बॉक्स एक्सेसरीज, होम ऑडियो, सब कुछ इन्होंने बनाया है, सब कुछ। इसका टीवी है अपना, नोटबुक है, फ़ोन से, टैबलेट है, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रांड होने जा रहा है फ्यूचर में, मुझे तो लग रहा है कि अच्छी ब्रांड है। और इंडिया में अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ़ोन, स्मार्टफोन्स उन्होंने बिककर जितना भरोसे लोगों का जीता है, ये सब भी जब मार्केट में आएगा तब भी भरोसा जीतेगा। आप अब चाहे तो यहाँ से ले भी सकते, शायद इंटरनेशनल मार्केटिंग करने पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ये देखिए इसका छोटे से बड़े तक सब कुछ एक्सेसरीज है। देखिए ये का वीआर बॉक्स मिलता है, किड्स वॉच मिलता है, सब सब मिलता है, पावर बैंक, वीडियो कैमरा, वाईफाई प्लेयर, स्केल्स, बैंड्स। और ये देखिए ये क्या बताओ, क्या क्या चीज़ इन लोगों का है, आप विश्वास नहीं करेंगे क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। और देखिए मोबाइल पावर, बैटरी, स्ट्रिप, यहाँ पर सब है, स्टोरेज कार्ड भी है इनका, हेडफोन तो है ही, ये है स्पीकर्स, मैंने सब सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर, ये स्पीकर यहाँ पर लॉन्च किए बट सब स्पीकर नहीं लॉन्च किए, तो इसके भी बहुत सारे स्पीकर्स, हेडफोन्स वगैरह है, और एक फिल कवर तो अपना कंपनी के द्वारा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, अपना शर्ट भी है, ये तो देखने बनता है। EMI का जो देखिए, तो देखिए दोस्तों EMI का शर्ट, EMI का वो चाइनीज शर्ट, तो इन लोग शायद कुछ कुछ निकाला है अभी तक, बहुत सारे नहीं है इसका प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है ये इंडिया में कब लॉन्च होगा ये कोई ठीक नहीं है, कभी भी आ सकता है, कब होगा कोई गारंटी नहीं दे सकता है। EMI का अपना शर्ट, ये चीन में तो अभी तक अवेलेबल है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इतनी चीज़ उन लोगों ने बनाया है। हाँ दोस्तों, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप इस साइट पे आइए और देखिए इन लोगों का कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उन्होंने बनाया है। आप अगर देखोगे तो बिलीव नहीं कर पाओगे कितने सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए, बहुत सारे इन लोगों ने प्रोडक्ट्स बनवाया है। आप आइए और देखिए इस साइट में, इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर आइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो पे, तो गुड बाय दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, पसंद आने पर, ना पसंद आने पर डिसलाइक, ओके, एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, तो गुड बाय एंड सी यू।